हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको बताएंगे कि सेल का लेज़र कैसे बनाते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारी वीडियोस को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। सेल का लेज़र बनाने के लिए सबसे पहले हमको अकाउंट इन्फो में जाना है, फिर लेज़र में जाना है, इसके बाद क्रिएट में जाना है। यहाँ पर हम लिखेंगे सेल लेज़र का नाम, SALE सेल। GST लेज़र बनाना है तो हमको यहाँ पे लिखेंगे GST। अब जितने परसेंट देना है हमको, 18%, जैसे मैं 18% दे रहा हूँ, 18%, ये प्रॉपर नाम हो गया। अब अंडर में जाएगा सेल अकाउंट। दोस्तों याद रखिएगा, अंडर में सेल अकाउंट जाएगा। सेल अकाउंट ले लिया, यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू फैक्टर में यहाँ पे नो लिख देंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर में डिस्काउंट नहीं, नॉट अप्लीकेबल रहेगा। GST अप्लीकेबल, ये GST अप्लीकेबल रहेगा क्योंकि GST का लेज़र बना रहे हैं हम लोग, GST सेल का। इसको यस कर देंगे। यहाँ एक फॉर्म खुल गया, डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे जो हमारे सेल का लेज़र का नाम था, SALE सेल GST@18%। HSN को HSN एंड SAC कोड याद रखिए दोस्तों। HSN एंड SAC कोड आइटम्स का होता है, सर्विस का नहीं। और ये सेल GST हमारा गवर्नमेंट सर्विस है, इसलिए इसका एचएसएन कोड नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस नॉन GST गुड्स, इसको नो ही रहने देते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें डालेंगे हम लोग सेल टैक्सेबल, सेल टैक्सेबल लेंगे। अगर ये दोस्तों याद रखिए, अगर हम लोग UP के बाहर सेल करेंगे तो उसमें आएगा इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल, जब हम लोग UP के बाहर सेल करेंगे। बट हम लोग UP के अंदर सेल करेंगे तो इसमें सेल टैक्सेबल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल उठा लेगा। इसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्सेस में 18%, ये ऑटोमेटिक CGST सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स डिवाइड कर लेगा। इसको सेव कर देते हैं। जैसे बताया था, टाइप ऑफ सर्विस में ये गुड्स हमारा आइटम का होता है, ये सर्विस है, मैंने बोला था सर्विस है तो सर्विस करेंगे और सेव कर देंगे। ये हो गया हमारा सेल लेजर। तो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।